रूस और यूक्रेन टेंशन के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन से सेना वापस बुला ली है। अब ये क्या हो रहा है? कनाडा ने भी कहा कि जल्द उसके सैनिक यूक्रेन से निकलेंगे। अमेरिका ब्रिटेन ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा है। एक खबर हमारे पास ये आ रही है, इसके साथ एक और बड़ी खबर है जो कि मनीष झा ब्रेक कर रहे हैं। दिखाइए वो खबर, यूक्रेन में इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार भारतीय दूतावास। कीव में भारतीय दूतावास भारतीयों का डेटा जमा कर रहा है। लीजिए, यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया। यूक्रेन में करीब 20,000 मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं भारतीय। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग साथ दिखाएं, मनीष के पास चलूंगा। मनीष, इराक में भी यही हुआ, सब लोग एग्जिट कर रहे थे, हम तब तक डेटा इकट्ठा कर रहे थे, बाद में हमें पैनिक बटन दबाया और फिर हमने अपनी बड़ी पीठ थपथपाई कि देखिए हमने कितने इवैक्यूएट किए। हम अभी भी रिएक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है। देखिए, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर छात्रों का मानना है कि अभी उनकी पढ़ाई चल रही है और अगर संभव हो तो उसमें कम से कम नुकसान हो, और इसीलिए भारतीय दूतावास ने उन सबको कहा है कि आप सब, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में करीब 20,000 के करीब छात्र जो हैं वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वहाँ रजिस्टर्ड हैं, तो उन सभी छात्रों को कहा गया है कि आप जो भी वहाँ पर हैं वो अपने सारा डिटेल्स एम्बेसी के साथ शेयर करके रखें ताकि जैसा भी अपडेट हो वो तुरंत आपको दिया जा सके। हाँ, एक बात जरूर है कि पिछले कुछ सालों का अगर आप पैटर्न देखें, खास करके प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का, तो इस तरह के किसी भी इमरजेंसी में जिस तरह के राहत अभियान चलाए गए हैं या कोरोना काल में भी हमने वंदे भारत मिशन देखा है, तो वहाँ पर रहने वाले भारतीयों को ये उम्मीद है कि अगर संकट आए तो भारत सरकार उनका साथ देगी, भारत सरकार उनको रेस्क्यू कर लेगी, तब तक हम पढ़ाई करते हैं। तो चिंता के बादल वहाँ है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भरोसा है कि भारत की सरकार उन्हें उस हालत में वहाँ नहीं छोड़ेगी जिस हालत में कि उनको युद्ध का सामना करना पड़े। और जब तक संभव हो, बहुत अच्छे तरीके से मेरी बाउंसर को हुक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।